पर कांग्रेस नेत्री और मुंगेली जिला पंचायत सदस्य जागेश्वरी वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेकर सवर्ण समाज के लोगों ने लोरमी थाने में ज्ञापन सौंपा है। साथ ही समाज के लोगों ने जागेश्वरी वर्मा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से निष्कासन के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए भी ज्ञापन दिया है। सवर्ण समाज के लोगों का आरोप है कि विगत दिनों से प्रदेश में एसटी एससी और ओबीसी के द्वारा प्रदेश स्तर पर एक दिवसीय बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें कांग्रेस नेत्री के द्वारा सवर्ण समाज और ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसमें पूरा सवर्ण समाज आक्रोशित हुआ है। अरे मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी नंद कुमार बघेल जी भी इसी तरह से आपत्तिजनक बातें करते हैं, जिनसे ये लोग शिक्षा लेके कांग्रेस के बाकी लोग भी हमारे समाज के खिलाफ अनापशनाप बोल रहे हैं, जिसके खिलाफ आज हम लोग आए थाने में और FIR की मांग कर रहे हैं। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम रायपुर जाकर उग्र आंदोलन करें। बताना चाहूंगा, जागेश्वरी वर्मा जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है वो जिला पंचायत सदस्य है और प्रदेश कांग्रेस में पदाधिकारी है। तो सोनिया गांधी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग है हमारा कि ऐसे लोगों को तत्काल कार्यवाही करके संगठन से बाहर करें। समाज में अगर हम सबको एक साथ रहना है और एक साथ रहना है तो किसी भी समाज के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं की जा सकती। इसके विरोध में और उनके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए हम सभी यहाँ सामान्य वर्ग के सभी लोग इकट्ठे होकर समाज में